हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमएस अली और आप देख रहे हो मेरे कलयुनिक क्लासेस। ये है टेंस का पार्ट 7। मैं आप लोगों के लिए टेंस पर लगभग 6 वीडियोज बना चुका हूं और ये है 7वीं वीडियो। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन वर्ड का कुछ डिफरेंट प्रयोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग के बारे में और ये भी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड की संख्या 9 होती है जिनमें से 6 का प्रयोग हम सिंपल तरीके से करते हैं, है ना, सिंपल रूप से करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिनका प्रयोग बिल्कुल अलग ढंग से होता है, जिनमें से 2 की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। विच और हुज की बात कर लेते हैं। विच मीन्स होता है कौन से और हुज मीन्स होता है किसका, किसके, किसके। इसकी सबसे मेन खासियत यह है कि विच और हुज के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, तब जाकर के हेल्पिंग वर्ब इत्यादि रखनी पड़ती है। और बाकी के क्वेश्चन वर्ड में क्या था, वॉट वाले में, वेन वाले में, वेयर वाले में, हाउ वाले में क्या था कि हम अंत में, आखिरी में हम रखते थे ऑब्जेक्ट को, लेकिन इन 2 शब्दों के साथ ऑब्जेक्ट दूसरे स्थान पर ही रखा जाएगा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर और एग्जांपल को। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है विच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 और क्वेश्चन मार्क, यानी अंत में जो ऑब्जेक्ट आता था ना यहाँ पर, वही ऑब्जेक्ट आ चुका है विच के बाद। अब प्रयोग करके देखते हैं, तुम कौन सा काम करते हो, यहाँ पर कौन सा आया है और कौन सा के बाद वाला जो भी वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कौन सा काम को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो कौन सा काम को एक बार में लिख लेंगे, विच वर्क। विच वर्क एक बार में लिख लिए। अब डू या डज में से किसी एक को लगाना है तो हम सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ डू लगता है तो डू लगा दिया हमने। फिर सब्जेक्ट की बारी आती है तो सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए यू, और फिर वी वन, तो ता ते ती वाले वर्ड को मैं बता चुका हूँ कि वो वी वन होते हैं। तो करते यानी करना से करते आया है, करने की अंग्रेजी होती है डू, और फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो हमेशा याद रहे कि कौन से के बाद वाले वर्ड को एक बार में रख लेंगे, तब डू डज लगाएंगे, तब सब्जेक्ट और तब जाकर के वर्ब। दूसरा सेंटेंस है, वह कौन सी साड़ी पहनती है। यहाँ भी हमने कौन सी साड़ी को एक बार में अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि कौन से के बाद जो भी वर्ड आएगा ना वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो कौन सी साड़ी, दोनों वर्ड को एक बार में लिख लिया गया है विच साड़ी, और तब डू डज की बारी आती है तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देख लेंगे, वह के साथ डज लगता है तो हमने डज लगा दिया है, और तब ती है ये दिखा रहा है कि भाई ये स्त्रीलिंग है, ये फेमिनिन है, तो उसके अनुसार हमने सब्जेक्ट के रूप में वह के लिए शी कर दिया है। और फिर ती वाला जो वर्ड है, मैं बता चुका हूँ कि ता ते ती वाले जो वर्ड होते हैं वो होते हैं वर्ब, तो यहाँ पहनने के लिए वियर होती है, हमने वियर लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब दूसरे वाले में चलते हैं, हुज वाले में। हुज भी बिल्कुल विच के जैसा ही है, जिस प्रकार से विच के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था वैसे ही हुज के बाद भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले हुज प्लस ऑब्जेक्ट, तब डू डज, तब सब्जेक्ट, तब वी वन, और तब जाकर के प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दे देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह किसका काम करता है, तो किसका काम को एक बार में हम लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम 2 वर्ड को एक बार में लिखते थे, तो किसका काम को अंडरलाइन किया हुआ है, किसका काम, तो हुज वर्क एक बार में। फिर डू डज की बारी आती है तो सब्जेक्ट वह के अनुसार डज आ गया है, फिर वह के लिए हमने ही लिख दिया है, और ता वाला जो वर्ड है यानी वर्ब है ना, करता यानी करने से करता आया है, तो इसके लिए डू का प्रयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, आप किसकी साइकिल चलाते हैं। यहाँ पर किसकी और साइकिल दोनों को एक बार में अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसा कि मैं पहले से बताता रहा हूँ कि किसका, किसकी, किसके और कौन से के बाद वाले वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं और उनको एक साथ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसकी साइकिल को हम एक बार में रख लेते हैं, हुज साइकिल, और तब जाकर के आपके अनुसार डू, फिर आप सब्जेक्ट है तो इसके लिए यू, और फिर चलाना, तो चलाने की अंग्रेजी राइड होती है। आप पूछोगे कि सर जी ड्राइव क्यों नहीं लगी, तो 2 पहिए वाले को चलाने के लिए राइड का प्रयोग होता है, न कि ड्राइव का प्रयोग होता है, इसलिए कभी भी 2 पहिए वाली वाहनों को चलाने में हम राइड का यूज़ करते हैं, तो साइकिल चलाने के लिए राइड का यूज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं हु की तरफ, यानी विच और हुज तो हो चुका है, अब हु की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल अलग प्रयोग थे इससे, और ये जो है ना बहुत अलग प्रयोग है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये हु का जो प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, इसमें 90% स्टूडेंट्स की गलती होती है, 90% स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं इस चीज़ में। तो मैं आज के बाद ये गलती आपसे नहीं हो पाए, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं। तो देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसमें अफर्मेटिव में डू डज नहीं रखना है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स थे उन सब में हम लोगों ने डूडज का यूज़ किया था, डूडज का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें देखना अफर्मेटिव में डूडज आने ही वाला नहीं है, बस V5 आएगी इसके बाद और ऑब्जेक्ट आएगी। अब कैसे देखते हैं, कौन पढ़ाता है, कौन के लिए हमने हु लिख दिया है, कौन के लिए हमने हु लिख दिया, और तब जाकर के ता ते ती वाले वर्ड को हम लिखेंगे V5 के रूप में। तो पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है और टीच को हम V5 बनाएंगे ES जोड़कर, क्योंकि CH आता है ना तो उसमें ES लगता है। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जिसके अंत में CH, X, Z इत्यादि रहते हैं उनमें ES जोड़ते हैं। तो हु टीचेज हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ कौन पढ़ाता है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखते हैं हु डज टीच, क्योंकि वो जानते हैं ना कि वॉट की तरह, वेन की तरह, वेयर की तरह इसको भी प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं,
जब कौन वाले वाक्य में नहीं नहीं हो ना, तब आपको डू डज लगाना ही नहीं है, बस हु लगा करके वी फाइव लगा देना है। दूसरा सेंटेंस, वहाँ कौन रहता है, वहाँ कौन रहता है, फिर कौन के लिए हमने हु लिखा, रहता है के लिए हमने लिप्स लिखा, लिप में एस लगाया, वी फाइव बनाया, क्योंकि हु के बाद जो भी वर्ब आएगी वी फाइव के रूप में आएगी, एस या एस के रूप में आएगी, और तब ऑब्जेक्ट वहाँ है तो वहाँ के लिए देर का प्रयोग हमने कर दिया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें कौन तंग करता है, तो फिर कौन के लिए हमने हु लिख दिया। तंग करने की अंग्रेजी वेक्स होती है, वेक्स, वेक्स में हमने ईएस जोड़कर इसको वी फाइव बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अंत में एक्स आने पर भी ऐसा ही होता है जो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, और फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो इसके लिए हम यू का प्रयोग कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तुम्हें को सब्जेक्ट समझ लेते हैं और वो यू से बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। अब मेन बात यह है कि जिस प्रकार से आपने हु के साथ वी फाइव का यूज़ किया है, डू डज नहीं लगाया है, लेकिन अब आपका डज लगने वाला है इसके साथ, तो देखते हैं कि डज किस प्रकार लगता है। कब लगता है डज? कब लगता है डज? जब जब नहीं आ जाए, कौन वाले में जब नहीं आ जाए तो उसमें आपको डज के साथ चलना है, डज नॉट का प्रयोग करते हुए चलना है, इस बात को समझते हैं, ठीक है। जब तक नहीं नहीं आए तब तक डज नहीं आता है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो, है ना, कौन पढ़ाता है नहीं नहीं है इसमें, इसलिए डज नहीं आया। वहाँ कौन रहता है नहीं नहीं है, इसलिए इसमें भी डज नहीं आया। और तुम्हें कौन तंग करता है इसमें भी नहीं नहीं है, इसलिए इसमें भी डज नहीं आया। लेकिन इन दो सेंटेंस में आप देख सकते हो कि नहीं आया हुआ है, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, तो इसमें आपको डज के साथ चलना है। कैसे चलना है? कौन नहीं पढ़ाता है तो हु, डज नॉट, और पढ़ाने के लिए तब टीच का प्रयोग कर दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अगर चाहते हो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, यानी डज नॉट को हम एक में कर दें तो डजंट कर दोगे, यहाँ पर डज नॉट को डजंट, यानी हु डजंट टीच, हु डजंट टीच, कौन पढ़ा, कौन नहीं पढ़ाता है। वैसे ही वहाँ कौन नहीं रहता है ना, तो कौन के लिए हु और फिर डज नॉट लगा देंगे, है ना, और रहने के लिए लिव और वहाँ के लिए देयर, और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहें तो डज नॉट को हम डजंट कर देते हैं, यानी डज नॉट बराबर डजंट होता है, तो डज नॉट के बदले में डजंट आ गया है, लिव का लिव रह गया है और देयर का देयर रह गया है। एक चीज़ बता दूं कि ऊपर के जो सेंटेंसेज हैं, है ना, ऊपर के जो सेंटेंसेज हैं, है ना, उसी को मैंने फॉलो किया है। कौन पढ़ाता है और इसमें है कि कौन नहीं पढ़ाता है, है ना, वहाँ कौन रहता है और इसमें है कि वहाँ कौन नहीं रहता है। तो आगे से हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हु का प्रयोग हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर उसमें नहीं नहीं हो तो आपको डज लगाना ही नहीं है, बस हु के बाद वी फाइव और ऑब्जेक्ट रख देना है, और अगर नहीं आ जाए उसमें तो आपको डज के साथ चलना है, डज नॉट का प्रयोग करना है, और अगर शॉर्ट में करना चाहते हो, कॉन्ट्रेक्शन के रूप में देना चाहते हो, तो आप वहाँ पर डजंट कर सकते हो, और डू का प्रयोग गलती से भी मत करना, है ना, क्योंकि हु सिंगुलर है और इसके साथ जो भी आती है सिंगुलर वर्ब ही आती है या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आती है, इसलिए आपको ऐसा ही करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी टेंस की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।